महाराज बड़े प्रसन्न हुए संदेश पाकर। दूतन देन न छावरी लागे, कही अनीति ते मुंह नहीं काना। दूत लोग कहते हैं महाराज ये तो अनीति होगी, क्यों? हमारी बिटिया रानी सियाजी केवल मिथिला पति की पुत्री नहीं है, हम सभी मिथिला वासियों का उनमें पुत्री भाव ही है, और अब तो जब विवाह हो जाएगा तो ये उनका घर हो गया। धर्म की जड़ें कितनी नीचे तक बैठी हैं हमारे इस देश में, भारत भूमि में आए लोग पता लगाने लगाते लगाते थक गए, लेकिन पता चला नहीं। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। देखिए मनुजी महाराज कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिन नारायणाम, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्म ही हमारे आप में और पशुओं में हमको उनसे अलग करता है। धर्म विचारी सब ही सुख माना। धर्म माने वह आचरण वह व्यवहार जो सदग्रंथों में वर्णित है, हमारे जीवन में धारण हो जाए, इसका नाम है धर्म। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्मशील होता है, धर्म तत्व को पालता है, धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। कई लोग ऐसा कहते हैं, साहब हमने तो बहुत धर्म किया लेकिन हमारे जीवन से कभी दुख नहीं गया। ये कदापि संभव नहीं है। आप दूसरे को ठग सकते हैं, अपने को नहीं। शीशे में चेहरा और का नहीं दिखता है, शीशे में बाल मत झाड़िए, शीशे से पूछिए हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारे बारे में बताओ। शीशा चेहरा ठीक करने के लिए नहीं है, शीशा हमारे जीवन का मोहरा ठीक करने का साधन है। हम क्या हैं, शीशा बोलता है तू ये है। ये सेवक लोग, परिचारक लोग, परिकर लोग धर्म का आश्रय करके कुछ नहीं लेते हैं। ले महाराज, अरे क्या बात है, सदग्रंथों में वर्णन है कहां कहां देना चाहिए और कहां से लेना ही नहीं चाहिए। मेरा एक प्रवचन है, उस पर कई लोग प्यार देते हैं, कई लोग आशीर्वाद देते हैं, कई लोग गाली भी देते हैं। अपने राम को कोई बुरा नहीं लगता। प्रवचन क्या है, ससुराल की संपत्ति बस चले तो नहीं लेना चाहिए, है ना? कितनी टिप्पणी आई है। अब ये मैं कुछ नहीं कहता, ये सदग्रंथ कहते हैं कि जो अपना हक नहीं है, अपने कर्तव्य के साथ नहीं जुड़ा है, वो आपके पास आएगा तो आपको हानि देगा। धर्म विचार। अब तर्क सुनिए, और जिसके ससुर की एक ही बिटिया हो वो क्या करे, वो ले ले, उसके लिए क्या है? देखिए लेने में कुछ जाता नहीं है, देने में ना जाता है साहब। लेने में क्या जाता है, चाहे जहां ले ले, चाहे जहां खा ले, चाहे जहां जा ले। धर्म आग है, अग्नि स्वरूप है। धर्म पानी नहीं है, पानी में बैठा अग्नि है। पंचक्की चलती है तो बिजली निकलती है,
सिद्धांत कहा जाता है। एक कोई पत्रकार बंधु आए थे आज निवास पर, कह रहे थे कि महाराज समझ में नहीं आता किसकी बात सुनी जाए, सदग्रंथ की सुनिए, किसी की बात न सुनिए। सदग्रंथ कहाँ मिलेंगे? गीता प्रेस जी ने सभी पुराण, सभी वेद भगवान, सभी स्मृतियां छाप दी है, उठाइए पढ़िए समझिए। और नहीं समझ में आता है तो चौखंबा प्रेस बनारस से, काशी से मंगवा लीजिए, ठाकुर प्रसाद बुक्स दर से मंगवा लीजिए। सदग्रंथ जो छापते हैं वही छापेंगे, कबाड़ तो कोई छाप देगा, सबके बस का नहीं है। सदग्रंथों में ये सब लिखा है। ये मानस क्या है? सदग्रंथ हैं। भागवत जी क्या है? सदग्रंथ हैं। महाभारत जी क्या है? सदग्रंथ हैं। ये पुराने इतिहास है, आप पढ़िएगा, सब लिखा है। थोड़ा समय खर्च करना पड़ेगा, क्या लिखा है देखते जाइए। जो हमारा नहीं है उसको हम अपना न माने। दूतों के जीवन से शिक्षा ली जाए, बिटिया का घर है, जय जय सीताराम। महाराज आशीर्वाद दीजिए, चले। सचिवगण बैठे थे, सबको सुना करके भरत जी शत्रुघ्न जी खेल रहे थे, उनको समझाए बताए, पत्रिका आई, आनंद होकर नृत्य करने लगे दोनों भाई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के चरणों में ले जाकर पत्रिका रख दिए, दूतों को बुलाकर कब्र जनाए। गुरुदेव भगवान ने प्रशंसा करते हुए कहा, राजन जिम सरिता सागर महु जाही यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्म राजन। जैसे आप धर्मशील हैं, धर्म धुरंधर है, पवित्र हृदय हैं, वैसे आपकी देवियां हैं। अस्तु आपके जीवन में ये सुख उपस्थित होना ही चाहिए। गुरुदेव ने प्रशंसा की, मनुष्य का नहीं मनुष्य के जीवन की प्रशंसा होती है। देखिए कई बार हम कल्पना में नहीं लेते हैं, वो भी हमारे साथ घट जाता है, तो इसको विधि का विधान मानिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। जो अपने बस में नहीं है उसको अपने पिछले किसी न किसी जन्म के हिसाब में मानकर व्यवहार करिए। हमने तो कुछ किया नहीं, ये नहीं होता। हमको आपको इसी जन्म के 20 साल पहले की गाथा नहीं याद है, आगे छोड़िए ना, न जाने किस जन्म की कथा है, कितने जन्म पहले पितामह भीष्म ने कौंपे थे नाग को अथवा पक्षियों को, और ये परिणाम आया सरसैया पर शयन करना पड़ा। तो हमारे कर्म कहाँ हैं, किस जन्म के हैं, किस योनि में हम थे, क्या थे, शरीर क्या था, फल तो आएगा ही आएगा। कर्म फल हमको कम होकर प्राप्त हो उसके लिए भगवत शरण में बैठकर भगवत भजन करते रहना चाहिए। दूतों को विदाई मिली है, दूत लोग चले वहां से, चार दिन में मिथिला आए हैं। और अब अयोध्या में तो बारात के साज की सजने की रचना बन रही है। सचिव जी को बुलाकर गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दे दी, माताओं को खबर मिली, ब्राह्मण देवता उनकी बहुओं को बुलाकर उनका सम्मान हो रहा है, पितृ देवताओं का पूजन प्रारंभ हो गया, देव अभिनंदन प्रारंभ हो गया, विद्वान आचार्य लोग वेद मंत्र के द्वारा नाना विधि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, यह सुख आया है। तो अनेक प्रकार की रचना, भागवत लोग अपने घर में कोई कीर्तन करता है, कोई पाठ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा वो करता है। अब यहाँ राम लक्ष्मण प्रभु मिथिला में, दूत आए खबर दी, मिथिला का भी सहज श्रृंगार हुआ। अरण्य प्रताप जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, देखिए।
राम लक्ष्मण प्रभु का अब मधुर संबंध तो निश्चित ही हो गया है। तो मिथिला में इतनी ईमानदारी है, इतनी साधुता है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब धर्मशील हैं।